खबर करेरा से, जहां नगर में चोरियों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। आए दिन हो रही चोरियों में सूने घरों दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आज रात हाईवे पर कॉलेज चौराहे के पास बनी लोहे की दुकान गोदाम से पीछे का गेट के ताला तोड़कर चोरी कर ले गए। दुकान संचालक पवन तीतवेलासी ने बताया कि कल रात मेरा भाई दुकान बंद कर गया, सुबह आकर देखा तो दुकान के पीछे से गेट टूटे हुए और चोर ने जाली काट कर सीसीटीवी कैमरे के तार निकाल दिए और दुकान में रखी हुई बिल्डिंग रोड की लगभग 15 पेटी उठाकर दूसरे मंजिल से दुकान के पीछे कॉलेज ग्राउंड में फेंक दी, जिनमें 10 पेटी बिल्डिंग रोड की वहीं पड़ी मिली। अन्य सामान भी चोरी हुआ है। साथ ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। करेरा नगर में चोरी होने का मुख्य कारण लोगों में स्मैक का नशा और आईपीएल में सट्टा लगाने के लिए जुए में हारने वाले लोग हैं जो कि चोरियां करते हैं, जिस पर पुलिस का कोई शिकंजा नहीं है और कई घर बर्बाद होने की कगार पर आ गए हैं। इस ओर पुलिस प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। करेरा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। नाम क्या है और आपके यहाँ चोरी की क्या घटना घटी, बताएं। मेरा नाम पवन गुप्ता है और मैं था ना यहाँ, मेरे भाई ने कल दुकान बंद करके यहाँ से चला गया और सुबह मतलब रात जब सुबह आया हमारे आदमी आए तो देखा कि ताले टूटे हुए थे। हमने अंदर जाके देखा कि उस चोर अंदर पहले से शायद था, उसने कैमरा बंद किया, कैमरा बंद करके हमारी और पेटियाँ ले गया और पीछे कॉलेज ग्राउंड में फेंक दी। कुछ हमको मिल गई हैं और कुछ शायद चली गई हैं, अब ये समझ में नहीं आ रहा कितनी चली गई हैं। और कुछ सामान हमें समझ में आ नहीं रहा क्या क्या ले गया। और ऐसी घटना हमारी अभी कुछ समय पहले 10-12-15 दिन पहले 26 तारीख को हो चुकी है। पहले वो LED TV ले गया था कैमरे की और काउंटर तोड़ के पैसे ले गया था, उसमें 10-25 हज़ार डाले थे। 25 हज़ार आपने पुलिस को आवेदन दिया? आवेदन दिया, आवेदन की कॉपी हमारे पास है। अच्छा, पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं की इसके बारे में? हमें कुछ पता ही नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं की मतलब। हाँ, चलो ठीक।